एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है तेगुनिटी टॉक शो में। एक ऐसा शो जहां पर सिर्फ आपके सवाल और उनके जवाबों पर बात की जाती है। दैट मींस ट्रू इंफॉर्मेशन और वैल्यूएबल कंटेंट। मनधड़ंग कहानियों से बिल्कुल परे ट्रू फैक्ट्स पर हम आपके सवालों के जवाब जानते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं और जिनके पास बेहतरीन नॉलेज होती है। सो वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ तेगुनिटी टॉक शो। इस सेकेंड एपिसोड में टोटल 7 पार्ट्स होंगे जिनमें आपके पूछे गए टॉप लिस्टेड 7 सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं धीरज सिंह जी, जिन्होंने बतौर ट्रेनर बहुत सी टॉप नेशनल और इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ काम किया है। तो तेगुनिटी टॉक शो एपिसोड 2 के इस फोर्थ पार्ट में हम धीरज सिंह जी से जानेंगे व्हाट वन शुड डू आफ्टर जॉइनिंग अ डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ने के बाद किसी को आगे क्या काम करने होते हैं। तो चलिए जानते हैं धीरज सर का क्या कहना है इस विषय में। सर, अब जो सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ ये बेसिकली मेरा सवाल नहीं है, ये हमारे व्यूअर्स का सवाल है। और व्यूअर्स भी क्यों कहूँ मैं, कि जो भी व्यक्ति नया कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ता है, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ता है, उसका ही सवाल होता है कि कंपनी तो ज्वाइन कर ली, जैसे जैसे बोला फॉर्म फिल किया वगैरह वगैरह, लेकिन अब काम क्या करना है। बहुत सिंपल है, काम क्या करना है ना, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपकी शुरुआत डिसाइड करती है कि आप कितने दूर और कितने समय तक चलेंगे, है ना। बिल्कुल। और आपके साथ जो शुरुआती दौर में आपके साथ आपसे बातचीत होती है, एक मैं कहूँगा अपलाइन की, आपके दोस्त की, आपके मित्र की, जो आपको किसी भी कंपनी के साथ आपको आपको परिवार का हिस्सा बनाता है, तो वो उसका जो शुरुआती शब्द कुछ होते हैं, कॉन्वर्सेशन जो होती है वो डिसाइड करती है कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ता हूँ जहाँ पे एक प्रोडक्ट बिकता है जो वेट मैनेजमेंट में काम आता है, है ना। तो वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट मैंने लिया, अब वो किसी एक्स पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट का होगा। दो तरीके हैं, एक मैं उस प्राइस पॉइंट के 10 लोग और ढूंढूं जो उसको सडन एकदम खरीद लें, और एक इनकम पे आप सडनली पहुंच जाएं। आप समझ गए ना मैं जो बोल रहा हूँ, कि आपने एक प्रोडक्ट लिया जो मान लीजिए 5,000-10,000 का था, आपने उसके अलावा, और आपको ये बोला जाए कि आपने 10 लोग ऐसे और ढूंढे जो 10-10,000 से आपके प्रोडक्ट खरीदें, आपको इतनी इनकम आएगी। हाँ, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, आप वो प्रोडक्ट लेते हैं, आप वो इस्तेमाल करते हैं, उसके फ़ायदे लेते हैं। आप मान लीजिए, मतलब आप इसको ऑन अ लाइटर नोट ले लीजिए, कि मेरा वज़न मान लीजिए 90 किलो का था, मैंने वो हफ्ता प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और मैं एक सही तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, उसके बारे में ट्रेनिंग लेता हूँ, सही अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करता हूँ, खाने पीने का व्यवहार को चेंज करता हूँ, अपने लाइफस्टाइल को बदलता हूँ, और मेरा जो पेंट मैं पहले 34 की पहनता था 32 की पहनने लग जाऊँ। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और लोग खुद ही पूछेंगे कि भाई क्या कर रहा है आजकल, ये वज़न कैसे कम हो रहा है, और आपने फिर उस प्रोडक्ट के फ़ायदे लोगों से शेयर करना शुरू करें, है ना। तो लोग, और आप फिर बोलेंगे क्या आप भी करना चाहते हो, आपने वो प्रोडक्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, तो आपने, अब आपको ज़बरदस्ती नहीं है कि लोगों को जोड़ना है, झूठी कमिटमेंट्स करनी है, आपने प्रोडक्ट के बेनिफिट सेल किए, बेनिफिट्स को जानने के बाद लोगों ने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया, उनके साथ आपने प्रोडक्ट शेयर किया, उन्होंने अपने साथ ऐसे और लोग, हाँ इसमें एक चीज़ है कि शायद वक्त ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपने आप दोस्तों और रिश्तेदारों को खोगे नहीं। हाँ। आप लोगों को झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, आपको गलत कमिटमेंट्स नहीं करनी पड़ेंगी, है ना। दिस मे टेक लॉन्ग टाइम, थोड़ा सा शुरुआती दौर पे समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये इंश्योर करेगा कि आपका लॉन्ग टर्म, जो कहते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग इज़ ए इंडस्ट्री फॉर फ्यूचर एंड जनरेशंस, ये लेकिन कब बनेगी, जब हमारा तरीके सही होंगे। तो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स शेयर कीजिए, उसके थ्रू लोगों को इनवाइट कीजिए, उनके थ्रू लोगों और लोगों तक पहुंचिए, और फिर करिए सीधा ही 10-20-40-50,000 की इनकम पे मत पहुंच जाइए। मतलब जो दो तरीके आपने बताए करने के, तो पहला तरीका कभी मत चुनिए कि सीधे जाके इतना सेल कर दो, रादर देन पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद चीज़ों को प्रमोट कीजिए, क्योंकि उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा वो लंबे समय तक आपके साथ काम करेगा। बिल्कुल, जो रिपीट सेल्स की हम बात करते हैं ना बार बार, वो यहीं से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। वेल, धीरज सर ने बहुत आसान तरीके से बताया है कि किसी भी डायरेक्ट सेलर को आखिर काम क्या करने पड़ते हैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ने के बाद। तो एपिसोड 2 के 5th में हम धीरज सर से जानेंगे दैट हाउ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैन वर्क फॉर यंगस्टर्स, और इज देयर एनी
फ्यूचर फॉर द यंगर जनरेशन इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मीन्स यंगस्टर्स के लिए डायरेक्ट सेलिंग कैसा फ्यूचर होने वाला है आने वाली जनरेशन के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। और भी ऐसे बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं जो भी आप यूज करते हो, बिकॉज वहां पर आपको डेली कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जहन में कोई और सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करते हुए हमसे वो पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही इसे सभी के साथ शेयर भी करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राइट एजुकेशन पहुंचाने में अपना योगदान दे सके। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए सवाल और उसके जवाब के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद। Thank you.